नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। पूरे 500 वर्षों के इतिहास के बाद 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन लगने जा रहा है इस साल का पहला और भयंकर सूर्य ग्रहण, और सूर्य देव के आशीर्वाद से इन 6 राशि वालों की चमकने जा रही है किस्मत। क्या है सूतक काल का समय और क्या है राशि के अनुसार वो खास उपाय जो सूर्य ग्रहण पर अगर आप कर लेते हो तो आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा, जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रिय मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होकर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पर दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जब राहु और केतु अमावस्या पर सूर्य का ग्रास करते हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ता है, जहाँ कुछ राशियों के लिए ये बेहद ही शुभ होता है वही अन्य के लिए नकारात्मक प्रभाव करी होता है। तो दोस्तों, ग्रहण चाहे कैसा भी हो, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, प्रत्येक राशि के लिए यह शुभ और अशुभ फल लेकर आता है। और इसी प्रकार से 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण इन 6 राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होने वाला है। और दोस्तों, भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से इन 6 राशि वालों की किस्मत अब चमकने वाली है, या यूं कहे कि इन 6 राशि वालों पर 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार से माता रानी की विशेष कृपा होने वाली है और 6 राशि वाले जातक अब होने जा रहे हैं मालामाल, क्योंकि दोस्तों ये इस साल का पहला और भयंकर सूर्य ग्रहण है, इसलिए दुनिया भर के ज्योतिषियों की नजर इस पर बनी हुई है। दोस्तों, वैदिक शास्त्र की गणना के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण रेवती नक्षत्र और मीन राशि में लगेगा। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर 8 अप्रैल के दिन कुछ ऐसे खास शुभ संयोग बनने जा रहे हैं जिससे 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों को होने जा रहा है बहुत अधिक धन लाभ। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इस भयंकर सूर्य ग्रहण पर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण से पहले 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगा था जो कि भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका प्रभाव भी यहाँ पर मान्य नहीं हुआ। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 8 अप्रैल लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और इसका प्रभाव क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेगा और भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा। दोस्तों, यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल दिन सोमवार को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात को 9:12 से शुरू हो जाएगा जो 9 अप्रैल की सुबह 2:22 तक चलेगा। दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसके पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण होने पर 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण लगने पर 5 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल को अशुभ माना गया है, इसलिए सूतक लगने पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ काम नहीं किए जाते हैं। मंदिर के पट बंद दो जाते हैं। ग्रहण में न तो खाना पकाया जाता है और न ही खाना खाया जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप और ग्रहण के बाद गंगाजल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति होने पर पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव किया जाता है
और क्योंकि दोस्तों इस सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं होगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा। पर दोस्तों ये जो साल का पहला ग्रहण है वो नवरात्रि जैसे महापर्व से ठीक पहले लगने जा रहा है, जिसके कारण माता रानी की कृपा से इस ग्रहण का शुभ प्रभाव कुछ राशि के जातकों के ऊपर पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी है वो छह भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण से चमकने वाली है। तो दोस्तों उन छह भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए सूर्य ग्रहण लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही इस दौरान आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ होगा। वहीं नया कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। वहीं इस दौरान आप अच्छा धन प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास पूरी तरह सफल भी होंगे। इस अवधि में अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ साथ धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही इस समय आपको परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। वहीं इस समय व्यापारी वर्ग कोई डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब दोस्तों अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका प्रमोशन और मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है। वहीं इस दौरान अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ साथ धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही इस समय आप कई सोर्स से धन कमाने में सफल रहेंगे। साथ ही इस दौरान छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। वहीं अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। अब दोस्तों अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि आप लोगों के लिए भी सूर्य ग्रहण लाभप्रद साबित हो सकता है। इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, साथ ही इस दौरान नौकरी पेशा जातकों के बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जिसका फायदा आपको कार्यक्षेत्र में मिलेगा। वहीं इस दौरान आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होंगी, साथ ही आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं इस दौरान अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ साथ धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही इस समय आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल सकता है। अब दोस्तों अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सूर्य ग्रहण का असर इस राशि के जातकों के जीवन में भी सकारात्मक पड़ने वाला है। लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे। इसके साथ ही शिक्षा या फिर नौकरी को लेकर विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। मानसिक सुख शांति का अनुभव होगा। इसके साथ सेहत अच्छी रहने वाला है। अब दोस्तों अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये सूर्य ग्रहण शुभ साबित हो सकता है। लंबे समय से परिवार में चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्यस्थल में भी आपके काम की तारीफ हो सकती है। इसके साथ ही तनाव से मुक्ति मिलेगी। वरिष्ठ लोगों के सहयोग से अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। अब दोस्तों अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण का भी शुभ साबित होगा, जिससे आपको बिजनेस व्यापार में मुनाफा होगा। यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। आपको परिवार में शुभ समाचार मिलेंगे, नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे और हर काम में आपको सफलता मिलेगी।
आपके काफी समय से रुके हुए काम अब बिना की दिक्कत के पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 6 भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण से चमकने वाली है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन 6 राशि वालों की जिनके लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। तो राशि अनुसार इन 6 राशि वालों को कौन से उपाय करने हैं? तो दोस्तों, पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके लिए 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला नहीं होगा, इसलिए आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप इस दिन यानी कि 8 अप्रैल को ग्रहण के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और क्ली ब्राह्मणे जगदाधाराय नमः मंत्र का जप करते रहें। साथ ही इस दिन रात को सोते समय 5 बादाम और 5 मूली सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर ग्रहण से पहले मंदिर में दान कर दें। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल व नारंगी कपड़े आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सूर्य समान तेज आएगा। दोस्तों, अब अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपके लिए भी सूर्य ग्रहण शुभ नहीं होगा, इसलिए आप ये उपाय जरूर करें। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय आप तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः मंत्र का जप करें और रामचरितमानस का पाठ करना उत्तम रहेगा। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफेद चीजें जैसे खीर, दही, शक्कर, दूध, सफेद कपड़े, कपूर आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और अटके धन की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। सूर्य ग्रहण के समय आप नारायणाय सुसिन्हाय नमः मंत्र का 11 बार तुलसी माला से जप करें और महाभारत का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, फल आदि चीजों का दान करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से ऊर्जावान महसूस करेंगे और जीवन में हर आगे रहेंगे। अब दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। ऐसे में ग्रहण के समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और श्री देवकृष्णाय ऊर्ध्वजाय नमः मंत्र का तुलसी माला से जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में पीले रंग की चीजें जैसे पीले फल, चना दाल, पीले कपड़े, बेसन, केसर, हल्दी, गुड़ आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से धन और वैभव में वृद्धि होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। ऐसे में ग्रहण के समय हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें और श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः मंत्र का जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में शनि से संबंधित चीजें जैसे लोहे के बर्तन, कपड़े, गरीब व जरूरतमंद की मदद, किसी को भोजन कराएं। ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर रहता है और जीवन में शुभता बनी रहती है। अब दोस्तों, अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं। ऐसे में मीन राशि वाले ग्रहण के समय रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और क्ली उद्धृताय उद्धारिणे नमः मंत्र का जप करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में कुत्ते को रोटी दें, पीले फल, पीले कपड़े, चना दाल, केसर, बेसन, हल्दी, गुड़ आदि चीजों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी और नौकर व व्यापार में उन्नति होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने घर परिवार के लोगों को जानकारी देने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।